देश के विभिन्न क्षेत्रों में एनआरसी का विरोध अभी भी कम नहीं हो रहा है। सीएए और एनआरसी के विरोध में बस्ती के हजारों की संख्या के तादाद में महिलाओं पुरुषों ने जीआईसी से शांति मार्च करते हुए तिरंगा यात्रा निकाली, जो गांधीनगर होते हुए शास्त्री चौक पर समाप्त हुई। कई संगठनों ने जिला प्रशासन से शांतिपूर्ण तिरंगा यात्रा की अनुमति मांगी थी, जिस पर कई नियमों के तहत जिला प्रशासन ने तिरंगा यात्रा की अनुमति दी थी। तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और यहां पर संविधान की प्रस्तावना का पाठ करने के बाद राष्ट्रगान गाकर तिरंगा यात्रा का समापन किया गया। बस्ती के डीएम आशुतोष निरंजन ने कहा कि जनपद के कुछ संगठनों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए परमिशन मांगी थी, जिसे उन्हें दिया गया और प्रोटेस्ट के दौरान स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में रही। आप बस्ती से हमारे संवाददाता गौरव कुमार के साथ देख रहे हैं दौलत शर्मा की ये खास रिपोर्ट आरसोनी न्यूज पर। अब आइए सुनते हैं प्रदर्शनकारियों ने सीएए और एनआरसी को लेकर क्या कहा। देखिए, हम खुद ही फर्स्ट टाइम ही निकले हैं, इसके पहले हमने कभी स्कूल के अलावा कोई रैली नहीं अटेंड की थी, बट हमें लगा कि आज शायद हमें निकलना हमारा जरूरी हो गया है। एनआरसी और सीएए के विरुद्ध है हम लोग। हमारे देश में जैसे सारे लोग एक साथ मिलजुल कर रह रहे थे, हमें उसी तरीके से रहना है। हमें कोई नया कानून नहीं चाहिए, हमें नया कानून नहीं चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि देश की जितनी भी चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, सब लोग एक साथ हैं और हम लोग इस कानून के खिलाफ हैं। जिसके लिए हमारे गृह मंत्री बार बार कहते हैं कि ये सिक्वेंस में सीएए के बाद एनआरसी आएगा, सॉरी उसके विरोध में ये शांति पूर्वक जुलूस गवर्नमेंट कॉलेज से हो करके शास्त्री चौक तक आकर के अपनी देशभक्ति और एकता का परिचय देते हुए और इस संविधान विरोधी कानून का विरोध करते हुए ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इंशाल्लाह इस तरह का प्रोटेस्ट और भी होगा और हमारा ये कहना है कि ये हमारा देश आज एक विचारधारा के हाथों गिरवी हो चुका है, हमें इसको छुड़ाना है। जब तक ये छूट नहीं जाता तब तक हमारी ये जद्दोजहद, हमारी ये लड़ाई, हमारा ये संघर्ष चालू रहेगा। हमारा उद्देश्य इस काले कानून को विरोध करना है, जो अभी जो संविधान की आर्टिकल 14 को 15 को ताक पे रख करके जबरदस्त मेजोरिटी के नाम पर बनाया जा रहा है, जो पूरी तरह से इस संविधान के विरुद्ध है, संविधान की आत्मा के विरुद्ध है। राइट जी, एक तरफ आप लोग उसके विरोध में निकाल रहे हैं, वहीं भाजपा आप इसको लेकर जागरूक कर रहे हैं घर घर, तो क्या देखिए हमारा जो विरोध है वो सीएए प्लस एनपीआर प्लस एनआरसी के विरोध में है। हम सीए को अकेले नहीं देखते हैं। अगर सीए का आप किसी भी धर्म के लोगों को ला करके इस देश में नागरिकता दे दो, हम बिल्कुल विरोध नहीं करते हैं, लेकिन इसमें संविधान की सुधार करने की क्या आवश्यकता है। बस्ती जनपद के कुछ संगठनों ने एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के लिए परमिशन मांगी थी और उनको विभिन्न प्रतिबंधों के साथ एक परमिशन दी गई थी। तो आज लगभग 11:30 और 12 के बीच में जीआईसी से ये प्रोटेस्ट मार्च निकला है और जो शास्त्री चौक पे आकर के ख़त्म हुआ है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में रही है और जितने भी आयोजक थे इस यात्रा के उन्होंने पूरा सहयोग किया और पुलिस के और रेवेन्यू के डिपार्टमेंट ने भी बहुत मेहनत करी है और सब कुछ अच्छे से नियंत्रित वे में संपन्न हुआ है। और लेकिन उन लोगों ने अपनी बात संवैधानिक और प्रजातांत्रिक तरीके से रखी है। मुझे बताया गया है कि उन्होंने संविधान की प्रस्तावना का भी पाठ किया है।